नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हाल के बिहार विधानसभा के चुनावों का विश्लेषण हम कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क, एनडीए फिर से सरकार बनाएगी, इसमें लेकिन नीतीश कुमार की तो अपेरेंटली हार हुई है, क्योंकि जेडीयू के सीट्स 2015 में 71 के मार्क से स्लिप कर अभी 43 पर पहुंच गए हैं। ग्रैंड स्टैंडिंग में कभी भी पीछे नहीं रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले विजय जश्न भी मना लिया है, अपने सीनियर पार्टनर बनने के स्टेटस को फ्लॉन्ट करने के लिए। लेकिन इसी फैक्ट को दूसरे विंडो से भी देखा जा सकता। 2015 में जेडीयू का वोट शेयर 16.83 था और बीजेपी का 24.42%। पिछली बार लेकिन ये दोनों पार्टियां अलग अलग खेमे में थी, अपने डायरेक्ट ओपोनेंट्स थे। इस बार जेडीयू के वोट शेयर में 1.44% का लॉस हुआ है एंड दिस स्मॉल डिक्लाइन रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 28 सीट्स। इन कॉन्ट्रास्ट द बीजेपी has increased its tally by 21 seats, although its vote share has peculiarly declined by 4.96% to just 19.46%. इस statistical paradox को हम कैसे explain करेंगे? Popular vote share में loss के basis पर तो BJP को ज्यादा नुकसान हुआ है, तब सीनियर पार्टनर कैसे हुए? और फिर आरजेडी का वोट शेयर लीजिए, 2015 में 18.35% था, इस बार 23.11 यानी लगभग 5% का वोट शेयर का गेन हुआ है, येट इट इज ऑन द लूजिंग साइड। स्टैटिस्टिक्स जरूरी हैं इलेक्शंस समझने के लिए, लेकिन इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, वरना आपकी समझ बिल्कुल किताबी हो जाएगी। बिहार के चुनाव के दौरान आप कई नेताओं के बारे में फ्रेशली जाने होंगे, लोग उनके अस्तित्व से बेखबर रहे होंगे, लेकिन क्या आप सुमित कुमार सिंह को जानते हैं? शायद आप कहेंगे कि नहीं, ये किसी पार्टी से नहीं है, परंतु एमएलए बन गए हैं। इन फैक्ट ही इज द ओनली वन इंडिपेंडेंट इन द एंटायर हाउस ऑफ 243। इनकी जीत एक दूसरे स्टैटिस्टिकल डायमेंशन की तरफ ध्यान खींचता है। आदिवासी मेजॉरिटी चकाई निर्वाचन क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह की टक्कर 12 प्रत्याशियों से थी। आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के कैंडिडेट्स के प्रेजेंस के बावजूद इनकी जीत बिहार के फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को दर्शाता है। येट इफ वी गेट इनटू माइक्रो एनालिसिस, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग साइट ऑफ द बिग पिक्चर। डिस्पाइट द आरजेडी एंड द बीजेपी कलेक्टिवली पोलिंग मोर देन 42% of votes, which is significantly less than 50% of the popular support, which means the two largest opposing parties do not have more than 50% of the votes. Now, this obviously raises the prospect of a bipolar polity in a multipolar state. It is indeed a peculiar paradox. बहुत बड़ी विडंबना है। इसी वजह चुनावी विश्लेषण के पर्सपेक्टिव शायद उतने ही होंगे जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज
243. इतने सारे पर्सपेक्टिव्स कोएग्जिस्ट करने के बावजूद एक कॉमन थ्रेड सब नैरेटिव्स को कनेक्ट करता है, वो कि बिहार की राजनीति फिर से एक टर्निंग पॉइंट को नेगोशिएट कर रही है। ठीक उसी तरह बिहार के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में डिफरेंट डायमेंशंस होने के बावजूद एक रिकरेंट थीम बार बार नजर आता है, वो है सामाजिक या फिर आर्थिक न्याय का। हम सिनिकल हो जा सकते हैं बिहार के चुनाव के नतीजों के ऊपर बात करते हुए या फिर उसके अतीत के बारे में। उससे बचने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को रिविजिट करना जरूरी है। इस चुनाव में दो मुहावरे और एक सामाजिक यथार्थ छाए रहे, सोशल जस्टिस और जंगल राज, और बिहार की कांस्टेंट रियलिटी है कास्ट या फिर जाति। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी भारत के शायद पहले एकेडमिक थे जिन्होंने कास्ट आइडेंटिटीज को फोरग्राउंड में रखकर पॉलिटिकल एनालिसिस किया था। बिहार पर भी उनका ध्यान खास तरीके से गया था। कोठारी के हिसाब से राजनीति पर जातीय आइडेंटिटी का इंपैक्ट दो भिन्न स्टेजेस में हुआ था। पहले स्टेज में जो एंट्रेंच्ड कास्ट थे उनका क्लैश फॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हुआ था अगेंस्ट दी एमर्जेंट या फिर एसेंडेंट कास्ट्स। दूसरे स्टेज में फैक्शनलिज्म और फ्रेगमेंटेशन देखा गया उन जातियों के बीच जिनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ था या छूट गए थे वो उस प्रोसेस से बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटीज और द पोजीशनिंग ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स। द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ बिहार्स पॉलिटी स्पीडेड अप आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन अवार्ड एंड विद द स्प्लिट्स इन द जनता दल एट द नेशनल लेवल। इंटरेस्टिंगली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल who authored the report that provided reservations for OBCs in education and government job was the chief minister for about a month in early 1968. ये उस दौर की बात है जब बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति की बुनियाद रखी गई थी। 5 मार्च 1967 से 9 जनवरी 1972 के बीच 46 महीनों में 9 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। एवरी 5 मंथ्स एक नया चीफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल टर्बुलेंस के साथ साथ सोशल एम्पावरमेंट इसका मुख्य कारण था। इसी पीरियड में बीपी मंडल बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने, साथ ही भोला पासवान शास्त्री पहले दलित मुख्यमंत्री बने। इस क्योटिक पॉलिटिकल फेज की वजह से कांग्रेस पार्टी ने जब फिर से सत्ता संभाली तो उन्होंने बिहार को उसका पहला और आखिरी मुसलमान मुख्यमंत्री दिया, अब्दुल गफूर। नाम तो आपको या तो याद होगा या जरूर सुना होगा। आज के हिंदुस्तान में ये बात शायद काल्पनिक लग सकती है। मैं जिन कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस की बात कर रहा था न्यूली एमर्जेंट डोमिनेंट कास्ट्स के बीच, उनकी वजह सामाजिक न्याय वाली पार्टियों में कई स्प्लिट्स हुए। एक समय नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के सब एक तरफ खड़े हुए थे। वक्त के साथ कुछ पर्सनल एम्बिशंस की वजह से और कुछ अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नर्चर करने के कंपल्शंस की वजह से ये सब एक दूसरे के विरोधी बन गए। जैसा मैंने कुछ सप्ताह पहले एक एपिसोड में एक्सप्लोर किया था, नीतीश कुमार अल्टीमेटली विल पॉसिबली बी नोन इन हिस्ट्री एज द ग्रेट लेजिटिमाइजिंग फोर्स और द ग्रेट
legitimizer of BJP and Hindutva politics. जनता पार्टी में 1990s के स्प्लिट पहला अध्याय नहीं था, इसके पहले इसकी एक झलक 1980s में जनता पार्टी के कोलैप्स के बाद और इंदिरा गांधी के वापसी के बाद देखी गई थी। बिहार में भी जनता पार्टी कई गुटों में बट गई। बीजेपी भी तो इसी दौर में इसी पॉलिटिकल डेब्री से जनसंघ रीइनकार्नेट के तौर पर उभरी थी। सामाजिक न्याय की राजनीति से बीजेपी का इनिशियल ईयर्स में कोई लेना देना नहीं था। लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बन गए। उसी के कुछ महीनों के बाद वीपी सिंह ने मंडल कमीशन अवार्ड के फैसले को बहुत ड्रामेटिकली अनाउंस किया था। लाल कृष्ण अडवाणी को नवंबर 1990 में अयोध्या यात्रा के दौरान अरेस्ट करके लालू यादव सेक्युलर पॉलिटिक्स के आइकॉनिक लीडर बन गए। आरजेडी का 2005 में पॉलिटिकल एक्लिप्स के पीछे दो मूल कारण थे। पहला, दैट लालू यादव प्राइमरली एम्पावर्ड पीपल फ्रॉम हिज कास्ट, दैट देयर वाज अ हेजेमनी ऑफ द यादव्स अमंग द अदर ओबीसी कास्ट। दूसरा चार्ज उनके खिलाफ लगाया गया था कि उनके मुख्यमंत्री काल में कानून व्यवस्था लगभग नॉन एग्जिस्टिंग थी, बाहुबलियों का राज हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में तेजस्वी यादव के खिलाफ मेन एक्यूजेशन यही था कि वे जंगल राज का युवराज था। भला वो कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकता था औरतों को, दलितों को और दूसरे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। द एफर्ट वॉज टू रिजरेक्ट द फियर दैट वॉज डीपली एम्बेडेड इन द मेमोरी ऑफ सम बट चीफली एग्जिस्टेड इन पॉपुलर डिस्कोर्स। एग्जेजरेटिंग फियर्स ड्यू टू द इमेजिनरी अदर वाइल प्लेइंग डाउन द बीजेपी'स पॉलिटिक्स विच endangers security of adversaries is an old tactic of the Sangh Parivar. Lekin isse zyada mahatvapurna baat ye hai, kya vaakai Lalu Yadav aur Rabri Devi ke tenures mein Bihar mein vaakai jungle raj tha? Or was the narrative of breakdown of law and order a myth? National Crime Records Bureau के annual data जंगल राज theory को establish नहीं करता है। पिछले 45 years या फिर 45 वर्षों में बिहार का crime count बाकी हिंदी भाषी states से अगर हम तुलना करें तो सबसे कम था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। The typical non-Bihari Indian has a very poor opinion of the state and its people. This is despite the tremendous achievement of the state's people in various walks of life and profession. Chahe bureaucracy, academics, private sector, yahan tak ki Bollywood bhi, Bihar ke log har sector mein behtareen kaam kar rahe hain. Phir bhi Bihar ki ऐसी छवि की गई 1995 और 2005 के बीच में। लोगों को पूरा स्टेट एक ड्रेडेड टेरिटरी लगने लगा था। इट इज ट्रू दैट सम पीपल क्लोज टू लालू यादव एंड ही पर्सनली टू, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर हिम, वेर एट टाइम्स गिल्टी ऑफ बेंडिंग एंड वायलेटिंग लॉज टू सेटल पर्सनल स्कोर्स and indulge in corrupt practices. However, this was used to trash the entire government machinery, and this was not correct and done with political motive. NCRB ke pichle 45 years ke data ke hisab se Bihar ka crime rate baki Hindi speaking state se kam to hai hi, lekin saath mein
गुजरात से भी कम है। नोटेड सोशल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जैफरलो ने आर्ग्यू किया है दैट द पीरियड अंडर लालू यादव एंड राबड़ी देवी वॉज द एरा ऑफ सोशल जस्टिस। द ऑप्रेस कास्ट एंड माइनॉरिटीज फाउंड अ वॉइस। जब सदियों से दबे संप्रदायों ने अपनी आवाज बुलंदी से उठाई तब समाज के एंट्रेंच्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्कम्फर्ट हुआ। लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव के अलावा ये डिस्क्वाइट, ये सेंस ऑफ परेशानी, तकलीफ, मीडिया, लोकतंत्र का चौथा खंबा, इसमें भी देखा गया था। इसीलिए एक नैरेटिव को प्रोपगेट किया गया। विडंबना है, जंगल राज लालू यादव के टेन्योर को कहा जाता है। वास्तविकता तो ये है, जंगल राज अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कभी दिखता है तो नीतीश कुमार के टेन्योर में, खास तौर से उनके सेकेंड टर्म में 2010 से लेके 2015 तक। इकोनॉमिकली टू, बिहार डिड कंपैरेटिवली बेटर अंडर द लालू राबड़ी कंबाइन दैन अंडर जेडीयू एंड बीजेपी। द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो वॉज बिटवीन 1996 एंड 1999, आफ्टर विच द कैंपेन अगेंस्ट द रेजीम वरेड अवे एंड फ्राइटेंड द इन्वेस्टर्स। जिस तरह बिहार के चुनाव का विश्लेषण यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता है, उसी तरह बिहार का अतीत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। नतीजे तो आए हैं, परंतु वर्डिक्ट के फ्रैक्चर्ड नेचर की वजह से किसी के पास मैंडेट नहीं है। सरकार तो बन जाएगी, परंतु कहानी अभी बाकी है। ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस बार फिर से कहूंगा, हमारा ये कार्यक्रम अवश्य लाइक करें, न्यूज क्लिक के तमाम प्रोग्राम्स को भी लाइक करें और सोशल मीडिया में प्लीज शेयर करें। नमस्कार।